जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कहना है कि आज व्लॉग शुरू हुआ नहीं अभी फिलहाल। असल में मैं आपके सामने आज एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जी जैसे हमने पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जिस जिसको मैंने पहले भी शाउट आउट दिया है या मैंने रिक्वेस्ट किया अपनी फैमिली से कि आप लोग उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, तो आप लोगों ने बिला झिझक मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। महापी का चैनल हो गया और जो दूसरे थोड़े बहुत जो घर पे लोग आ रहे होते हैं उनका मैंने शाउट आउट अगर दिया तो आप लोगों ने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। तो आज इफ्तार से पहले, मैं मोस्टली इफ्तार के बाद व्लॉग बनाती होती हूँ, तो इफ्तार से पहले हमारे पास एक बहुत ही प्यारी बच्चियों वाली फैमिली आई है और मैं आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करने हाजिर हुई हूँ कि मैंने इनका चैनल का लिंक नीचे डाल देना है, मैं आपको इनसे मिलवाती भी हूँ। अभी जाकर सबसे पहले व्लॉग पूरा देखें ना देखें, पहले जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारी प्यारी सी बच्चियां कुछ ऊटपटांग हरकतें करती होंगी अपने व्लॉग्स में, मैं भी देखूंगी अब जाके, क्योंकि बच्चियां माशाल्लाह शरारती ही अच्छी लगती हैं और शरारतें करती भी अच्छी लगती हैं, तो अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया होगा, जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें और इनकी जाके खूबसूरत सी शरारतों को भी देखें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैंने व्लॉग शुरू किया साथ ही ऐसे ऐसे कहने, जी जी मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। घर पे तो बड़ी चीखती हैं कि कहती हैं कि गजल आप ही से मिलना है, हमने बुलवाए उनसे बुलवाए अब आप, तो अभी आपकी आवाज नहीं दिख रही उनके सामने, बात ही नहीं हो रही। वालेकुम अस्सलाम। ये जो काका है ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सरिश कुछ कहना चाहती है आपको, सरिश कहो क्या? जी सरिश, सरिश शर्मा तो ले पहले। अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं आप मेरी बेटियों जैसी हो, आप फैन नहीं हो, आप मेरी बेटियों जैसी हो। अच्छा जी, इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, जाके प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ नहीं देना, उनके व्लॉग्स को देखा भी करें, आपको खुद को भी इंटरटेनमेंट होगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, इतना अच्छा मोटिव हो किसी इंसान का तो हमें उसे जरूर सपोर्ट करना चाहिए। तो अल्लाह पाक आपकी बेटियों को कामयाबियां दे, तरक्कियां दे, आपका मान बनाए और इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। जाके पहले चैनल के लिंक नीचे लिखा गया है, उन्होंने पांचवी दफा कह दिया, ठीक है अब जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन अ बिट। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद चैनल। अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमजान बहुत 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 अच्छा गुजर रहा होगा। ये रमजान का महीना आता है और चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता, यकीन करें रहमतों वाला महीना होता है और इतनी जल्दी चला जाता है। तो पहले जरा नीचे जाके कॉमेंट में बताएं तो सही, किस किसने कितने कितने रोजे रखे और छोड़े कितने कितने। खैर अभी हम लोग, दिन शुरू हो चुका था बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेते हैं क्योंकि मैं काम करने लगी थी और बहुत सारे लोग मुझसे अभी भी बायनोमो के बारे में पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के एक छोटी सी वीडियो बना के दोबारा बता देती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है। ओके, सो बायनोमो की ऐप डाउनलोड करते साथ आपको एक इस किस्म का सिंपल सा इंटरफेस मिलता है और जो बात हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं कि रेफरल प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेक योर कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर बाय इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू बायनोमो। तो इसमें आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके इन बायनोमो के रेफरल प्रोग्राम में ऐड भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे दो डिफरेंट टीयर्स की जो कि बायनोमो आपको ऑफर करता है, एक है प्रेस्टीज और एक है वीआईपी। जो वीआईपी कस्टमर्स होते हैं उनको चार डिफरेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं, आपको अपनी किसी एक अनसक्सेसफुल ट्रेड पे जो कि आपने पिछले वीक में किया है उसमें 10% कैशबैक भी मिल सकता है, रिस्क फ्री ट्रेड्स होती हैं, एक्सेस टू बायनोमो एक्स होता है और आपको एक पर्सनल मैनेजर भी मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक रियल टाइम ट्रेड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इस पे ऊपर की तरफ 10,000 की ट्रेड कर लेते हैं। लेट्स सी। ले जी, ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमने आज अर्न किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सा सीन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट्स इट। अच्छा जी, बस इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और गजल जवाद फैमिली के लिए नीचे बायनोमो का प्रोमो कोड आ रहा होगा, ये प्रोमो कोड एंटर करके आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 50% तक का बोनस भी मिल सकता है। तो गो एंड डाउनलोड बायनोमो ऐप और घर से बैठे सकून से पैसे कमाएं। अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि मैंने जाना है पार्लर, तो मैंने निकलना है उसके लिए। अभी मुझे कॉल भी आई है, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि जिन्होंने अपना एस्थेटिक क्लिनिक बनाया है, तो हम लोगों ने जाना है उधर। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत यू नो शक्ल पे
ईद की रौनक नहीं है तो वो रौनक आनी चाहिए, वो रौनक लेके आने के लिए हमें पार्लर जाना पड़ेगा। कपड़े चेंज करके आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, फ्रेश होके रेडी होके। A few moments later. ले जी तो हम हो चुके हैं रेडी। रेडी तो भाई जान क्या ही होना था, आपकी बहने सिर्फ कपड़े चेंज करने होते हैं, ठीक है। माँ ने मेरी पैदा ही मुझे प्यारी किया था तो क्या कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सारे प्यारे होते हैं भाई। अल्लाह पाक ने जिसको जैसा बनाया बेहतरीन बनाया। मेकअप तब मैं करती हूँ जब मैंने कहीं बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कहीं जाना हो, ठीक है। तो अभी तो हमने जाना है सिर्फ पार्लर, तो पार्लर जाके वैसे ही मेकअप उतर जाना है, तो हम लोग अभी निकलने लगे हैं, लेट्स गो। चलो जी जी, घर से हम लोग निकल चुके हैं, हमारे साथ है अब्दुलरहमान। हेलो करो अब्दुलरहमान। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुलरहमान मेरा पर्सनल भाई है कसम से, क्योंकि ये मुझे कहता है भाभी आपने अकेले नहीं जाना, मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आप रात को में हो जाएंगी लेट, ठीक है, तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, कोई मसला नहीं है। अब्दुलरहमान आप मुझे बताएं आपने इफ्तारी में क्या खाना, कैसी इफ्तारी करनी है, आपकी बहन आपको इफ्तारी कराएगी। वो तो मेरा मिल्कशेक है ना, आपका क्या है? वाह क्या बात है, लड़के ने जूस स्पेशल रखा अपना साथ, मैं इससे इफ्तारी करूंगा। बता खाना क्या है तुझे, भाभी ने पहले भी तो इफ्तारी कराई है, पहले भी करवाई है, बहुत अच्छी करवाई है, लेकिन अभी देख लेंगे जो मतलब के इजी हुआ वो कर लेंगे। अच्छा चलो देखते हैं, अगर हमारा रोजा रास्ते में खुल गया तो हम लोग ये जो पड़ा हुआ है वो पीस ही के फिर कुछ देख लेंगे, रास्ते में कुछ नजर आ गया तो वो कर लेंगे, ठीक है। लेट्स गो निकलते हैं। Few inches later. अल्लाहु अकबर, आफ्टर अ हेक्टिक ड्राइव हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और ये जो बच्चा है ना ये इसने इफ्तारी कर ली है मेरे बगैर, क्योंकि मेरा रोजा 10 मिनट लेट खुलता है, मेरा टाइम नहीं हुआ अभी। तूने मेरे साथ क्यों नहीं खोला रोजा है, क्या मसला तुम्हारे साथ? जूस पिया ना साथ। अभी सिर्फ जूस पिया भाभी, रोजा नहीं खोला, अभी खोलूंगा आपके साथ। पहुंच गए अभी, फातिमा में लेने आती है, फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। वेरी नाइस एंड हम्बल लेडी। तो अभी हम लोग वो आती है तो हम अंदर चलते हैं, इफ्तार करेंगे, क्योंकि मेरी रोजे से जान जा रही है। और मैंने ये देखे ये जवाद साहब की जिम वाली बॉटल के अंदर मैंने अपना मिल्कशेक डाला हुआ है, कि इफ्तार होता है तो हम रोजा इससे खोलेंगे मिल्कशेक से। देखे ना ये जिन भी बना हुआ ऊपर, और तेरी शक्ल बनी हुई अब्दुलरहमान, मेरी नहीं बनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। कोई यकीन करें फातिमा, 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंची हूँ कसम से। अच्छा आपका मस्त कसूर नहीं है, मैंने ना लोकेशन खोल के देखी नहीं, अगर मैं देख लेती ना तो मुझे यहाँ का रास्ता शॉर्टकट से कौन से आता था, मैं आ जाती थी, मेरे पीछे ऑफिस होता था यहाँ पर। ओह रियली? कभी पिछले जमाने में, कभी पुराने जमाने में। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अच्छी तो अच्छी तो आप हैं, ये तो हमें पता है। तुम्हारा वेट मैंने जितना किया ना कसम से, तुम्हारी सोच है जवाद भाई की बर्थडे आ गई बीच में, नहीं तो हाँ सही बात है, जवाद की बर्थडे आ गई, वरना मेरा प्लान था कि हम जवाद की बर्थडे से पहले ही आ जाएंगे, मगर फिर ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा तैयारियां शैली करने में भी टाइम लगा, क्योंकि मैं ही थी जिसने सारा कुछ प्लान करके सबको, आपने उस टाइम पे पहुंचना, आपने उस टाइम पे पहुंचना। नहीं वो वाला व्लॉग इंशाल्लाह लगेगा, कल लगेगा वो वाला व्लॉग इंशाल्लाह, आज हम ये शॉर्ट करें। खैर मैं अब हम जो कुछ करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, साथ साथ दिखाते रहेंगे। पहले मैं इफ्तार कर लूँ, क्योंकि मैंने इफ्तारी नहीं की थी, इफ्तारी करके फिर इंशाल्लाह अपना काम शुरू करेंगे, और फिर इनकी टीम से भी आपको मिलवाएंगे, वो भी बेचारे खाना खा रहे हैं अभी, अच्छा नहीं लगता ऐसे मैं उनके मुंह की तरफ कर दूँ, वो कहेंगे शादियों में कैमरामैन आते हैं हम उनको गालियां देते हैं, ये इधर आके कैमरा हमारे मुंह पर डाल दिए। इफ्तारी कर लेते हैं फिर करते हैं बात इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए स्पेशल उन्होंने समोसे मंगा के रखे हैं, मैंने कहा मैं क्या मेरा बेटा भाई ये इस तरह की ऊट पटांग चीजें नहीं खाता, समोसे पकौड़े मंगा दे उन्हें, उन्होंने समोसे मंगा के रखे हैं तुम्हारे लिए, खाओ। वाह वाह मेरे भाभी के बगैर चीजें नहीं अलग से उतरती, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, यकीन करें मेरा बहुत साथ देता है और इतनी रिस्पेक्ट करता है जिसके हाथ में, बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। अफ्तार कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु मैं नीला कसम तू अभी का मन तू वाले का तवक्कल तू आला रस के का अफ्तार, मुझे खजूर दे दे, खजूर बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अफ्तारी हम लोगों ने कर ली, जितनी मैंने करनी होती है वो मैंने कर ली है। मैं अब आपको एक प्रॉपर विजिट करा देती हूँ फातिमा के सलून का, ठीक है, स्टैटिक सलून है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने आपको पहले ही बताया नेल बार एंड सलून, ठीक है। मैं आपको पूरा विजिट भी करा देती हूँ और फिर फातिमा से पूछना है कि मुझे किस जहमत के लिए आपने बुलाया, ठीक है, वो भी मुझे बता दे। तो ये है फातिमा जलानीज नेल बार एंड एस्थेटिक्स, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा इन्होंने सलून बनाया हुआ है, जिनवा मॉल के अंदर इनका सलून है, ठीक है, अंदर चलते हैं। ये है जी नेल बार, राइट फातिमा, नेल बार है यहाँ पर, खूबसूरत खूबसूरत से नाखून बनाते हैं ये इस तरह के, मैं बनवाऊंगी, दिखाएं जरा हाथ अपना, ये आय हाय हाय खूबसूरत, वेरी प्रिटी। खैर नाखून थोड़े पसंद है मगर मैं ईद के पास लगवाने आऊंगी इंशाल्लाह इस विजिट में, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो जाएगा।
और साथ में और क्या क्या सर्विसेज देते हैं जी आप फातिमा? अच्छा, हमारे पास हाइड्रा है, लाइक वैक्सिंग को छोड़ के सारी सैलून सर्विसेज हैं, प्लस एस्थेटिक्स आउटडोर से दिखाती हूँ। एंड हाइड्रा में जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अब जो गर्लीज देखेंगी, हमारी प्यारी प्यारी लड़कियाँ, वो सर्च करेंगी कि अमेजोन पे खाली अवेलेबल सिंटेला कोरियन जो प्रोडक्ट्स थे वाइट। मेरी स्किन कोरियन जैसी हो जाएगी ठीक है, डन करें। डेमो आपको अपने शक्ल पे आपकी बहन लेके दिखाएगी, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा जी, ये हाइड्रा की मशीन आएगा ऐसा ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे थोड़ा सा यार एक्सक्लूसिव, क्योंकि हर किसी के पास ये जेंट्स ये सारा कुछ तो पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़े अगर आइए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और हमने यूटिलाइज बड़ा तरीके से इसको कर लिया है। ये है हेड का सेक्शन, ठीक है, मैं अपने जो बाल वगैरह कलर मेरे होते हैं। हाँ, मुझे आपका डाई बहुत पसंद आया था, मैंने आते साथ कहा था मुझे आपका डाई बहुत अच्छा लगा है, और मेरे बाल नहीं बड़े, उनका भी कुछ बता दे क्या करना है। मैं हाथ लगाऊंगी इंशाल्लाह बड़े लगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। ये है जी हमारा स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये मेरी पिक्चर है, हाँ, ये आपकी पिक्चर है यार, सेम टू सेम। ओह माय गॉड, यू लुक लाइक एन यू लाइक एन अरबिक मॉडल, यू लुक लाइक अ झूठी, यू डू लुक लाइक अ झूठी। नहीं बड़ी अच्छी, अच्छा मुझे ना इस किस्म की पेंटिंग चाहिए अपने रूम के लिए, मगर थोड़ी छोटे साइज में, ये बहुत बड़ी साइज है, तुम पता क्या किया, छोटे साइज में चाहिए मुझे। ऑनलाइन निकाल के पिक्चर, उसके बाद उसको फ्लेक्स पे बड़े करवा के, और फिर उसको साइडों पे वो करके, सो दिस इज नॉट अ पेंटिंग, इट्स अ फ्लेक्स, नाइस फ्लेक्स फातिमा, नाइस फ्लेक्स। अच्छा जी, अब मुझे आप बताए मेरे साथ आपने कौन कौन सा जुल्म करना है? हाइड्रा ठीक है, मैनी पेटी सेक्शन बड़ा क्यूट है। अच्छा ठीक है, ये है जी हमारा मैनी पेडी सेक्शन। ओह माय गॉड, फुल फैंसी काम करेंगे हम, ठीक है, नाइस अरोमास, प्यारा प्यारा सा वो एस्थेटिक सा माहौल बना के। ये हमारा आ गया मैनी पेडी सेक्शन, और आज हम करेंगे मैनी पेडी, हाइड्रा फेशियल एंड हेयर कलर। यस ओके, बिफोर आफ्टर हेयर कलर करते हैं ना? हाँ ठीक है, अब्दुल रहमान मेरे साथ है ना, उसको कहेंगे बेटा वीडियोस बनानी है तूने, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती वीडियो, ये भी ठीक है, ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए इंसान के, ऑल इन वन। अच्छा जी, काम शुरू करें फिर इंशाल्लाह, लेट्स गो। 2 hours later, ओहो मेरे खुदाया, इतना शदीद काम किया ना मेरे मुंह के ऊपर फातिमा ने, जिसकी कोई हद नहीं है, खुद आके ऐसे नहीं करना, ये वाली जो लड़की है ना, ये वाली फुल मालिश करा कर उन्होंने मेरे मुंह को, मैंने देखा नहीं अभी तक कि क्या किया है, मगर आई ट्रस्ट हर कि अच्छा ही किया होगा। तो मैं शीशा देखे बगैर ब्लॉग स्टार्ट किया, हाँ बेटा ये कंटेंट ना, ये कॉन्फिडेंस है, और ये कंटेंट सही बात है, और ये प्योर कंटेंट है, हाँ ये प्योर कंटेंट घुस चुकी हुई है, हाँ फुल ऑन। मैंने शीशा देखे बगैर ब्लॉग शुरू किया कि भाई पहले ये कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमारा रहता है हेयर कलर और मैनी पेडी, ऐसे ही है, पहले हम कुछ ठूस लें क्योंकि खाना कुछ नहीं खाया हुआ। फातिमा भी मेरे साथ बेचारी भूखी फिर रही है, तो हम लोग पहले खाना खाएंगे, थोड़ा सा फातिमा खुद जाकर खाना लेके आएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं अभी जाके देखूंगी क्या लेके आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, देखते हैं खाना खाते हैं और फिर बाकी का काम करेंगे अब इंशाल्लाह। नेल्स कराने नहीं बैठे हम यहाँ पे, टेंशन नहीं, हम खाना खाने बैठे हैं, ब्रॉड भी आया है, वाह जी वाह क्या बात है, फैंटम पिज्जा लेके आई है, लड़की को पता है मुझे फैंटम पिज्जा पसंद है, क्योंकि वो खुद भी फैंटम ही खाती है ना। अब्दुलमान मैं और फातिमा हम लोग ले हैं खाना खाने, आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद, पीस आउट। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हमने खा लिया, अब मुझे इजाजत है मैं जाऊं? नहीं अभी भी नहीं, खाना तो खा लिया मैंने, अब तो जाने दे। यस अभी हेयर डाई रहता है हमारा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इन्होंने मेरे से टिकटॉक बनवाई है, ठीक है। अगर किसी ने टिकटॉक देखनी है तो जाके इनके टिकटॉक अकाउंट पे देख ले, क्या नाम है आपके टिकटॉक अकाउंट का? ओह माय गॉड, दैट्स फुल सैवेज, बट ठीक है, मैं आपको इंस्टाग्राम उनका टिकटॉक का लिंक भी नीचे लगा दूंगी, ठीक है, जाके उधर देखिएगा हमारे टिकटॉक, बहुत मजे के। अभी मैंने हेयर स्टेशन में बैठना जी, ठीक है लेट्स गो, हेयर स्टेशन में बैठते हैं, अभी कलर देखें फिर वालों का, ठीक है, अब आपको थोड़ी देर तक मिलेगी जी वापस जाने की ऑलमोस्ट 1 घंटा
घंटा ठीक है, घंटे तक हमें इजाजत मिलेगी घर जाने की, फिर हम घर चलेंगे। अभी मैं सिर्फ ये मैनी पेडी करा लूं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर तक। अल्लाह फाइनली कलर हमारा कंप्लीट हो गया है, मैं आपको एक दफा घूम के दिखा देती हूँ। ये देखें मोड ले है, ऑल क्रेडिट गोज टू फातिमा, और फातिमा ने लिटरली, फातिमा के समेत और इनकी जो पूरा स्टाफ है उसके समेत, दे गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आई रियली 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 अप्रिशिएटेड। और हम बहुत देर बाद मिले हैं, बट ऐसे लग नहीं रहा कि हम बहुत देर बाद मिले हैं। थैंक यू सो मच फातिमा, यही होती है असली दोस्ती, कि आप ज्यादा दिन बाद मिलो लेकिन लगे ना क्या ज्यादा दिन बाद, सुबह तो बात हुई थी। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच फातिमा, रियली अप्रिशिएटेड। हमने परसों फिर आना है, ठीक है, जो काम कराने सरप्राइज वो आप परसों के ब्लॉग में देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फातिमा, पीस आउट। हम लोग निकलने लगे हैं घर, घर पहुंच के इंशाल्लाह सबसे मिलते हैं और जाके रिव्यू लेते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, होम स्वीट होम। हम पहुंच चुके हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह, जाके करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि मुझे लगता है अम्मा वाले लोग, अम्मा और अशरफ और जवाद चले गए हैं जिम, मुझे लग रहा है कि गाड़ी निकल गई। हाय बाबा, अस्सलाम वालेकुम, सबकी तरफ से हाय, सबकी तरफ से हाय। मैंने देख लिया था, मैंने कहा गाड़ी नहीं खड़ी हुई, मुझे लगता है जिम चले गए। हाले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं वापस फाइनली अपने बेड पर, और हर चीज बहुत अच्छी थी, और व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आपसे लेते हैं आज के व्लॉग से इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।